हेलो नमस्कार दोस्तों, और क्या हाल चाल है आप लोगों के। दोस्तों आज हम बात करेंगे बायकॉट चाइना प्रोडक्ट के बारे में। वैसे तो दोस्तों हर साल दिवाली जब आती है तो हमारे देश में बायकॉट चाइना प्रोडक्ट वैसे मूवमेंट चलता ही रहता है। जैसे दिवाली आई लोग कहते हैं अरे भाई चाइना की ये लड़िया झड़िया मत लो, ये मत लो, वो मत लो। लेकिन दोस्तों भर भर के खरीदते हैं और भर भर के चाइना का बिजनेस करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बार हमारे देश की जो बॉर्डर है वहाँ पर चाइना और इंडिया का टेंशन चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को तो पता है कि हमारे देश में जो लद्दाख है वहाँ पर जो गलवान घाटी है वहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में चाइना के जो सैनिक है वो घुस गए। वहाँ की जो जमीन है, जो बॉर्डर है, उसको मतलब वो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ अकॉर्डिंग टू न्यूज़ है। देखो मैं इतना दावे के साथ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में चाइना ने आंख उठा के भी नहीं देखा है और ना ही उन्होंने किसी तरह की घुसपैठ की है और ना ही उन्होंने मतलब किसी टेरिटोरी को कब्जे में लिया है। लेकिन दोस्तों लगता है मोदी जी ना NDTV बहुत ज़्यादा देखने में व्यस्त हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के चैनल तो देखते ही नहीं हैं। क्योंकि उन्हीं के एक प्यारे से बच्चे के चैनल पर खुद जो अपना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो कह रहा है कि चाइना की जो सेना है वो भी भारी मात्रा में इंडिया में आई है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है कि आपको, हमको, हम सभी को पता है कि इंडियन चाइना बॉर्डर टेंशन चल रहा है और जो चाइना की आर्मी है वो इंडिया में घुसी है टेरिटोरी में, वहां की जो जमीन है वो हड़पने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी कॉन्फ्रेंस में जो कहते हैं वो आप सभी ने सुना कि हमारे देश में किसी भी तरह की कोई घुसपैठ नहीं है, ना ही चाइना ने हमारे देश की जमीन छीनने की कोशिश की है, ना ही चाइना हमारी टेरिटरी में घुसे हैं। लेकिन दोस्तों मोदी जी ने एक बार बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, लेकिन अगर मान लो उनकी कोई बात माने या ना माने, इस बात को मनाने के लिए हमारे देश के महान, जुझारू, ईमानदार, बेबाक पत्रकार और वो लोगों को मतलब भक्तों को समझाते हैं कि बेटा भक्तों पापा ने क्या बोला है कि ऐसी किसी प्रकार की हरकत नहीं हुई है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत की सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई भी पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो ये बड़ी बात है जो देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताई है कि हमारे किसी पोस्ट पर और किसी इलाके पर किसी दूसरे देश ने कोई कब्जा नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप इसको जान लीजिए और प्रधानमंत्री ने ये बात आप सबको बताई है। और दोस्तों इस बात को जब चिल्ला चिल्ला कर एक एंकर बता देता है तो हमारे देश के भक्त मान लेते हैं और भक्त बन जाते हैं चूतिया। लेकिन दोस्तों भक्तों की गलती नहीं है, भक्तों का क्या दोष, भक्त तो बेचारे सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इंडिया चाइना बॉर्डर जो टेंशन थी उसमें हमारे देश के 20 जवान मारते मारते मरे हैं। अरे ओए ओए जवान संभाल के। पहली बात तो देश के जवान लड़ते लड़ते शहीद होते हैं, मारते मारते मरते नहीं है। भाषा और भावना का बोध है तुझे? अगर सीख कहां से रहा है सब तू? वे मारते मारते मरे। सॉरी दोस्तों ये लाइन स्क्रिप्ट में डालनी पड़ी क्योंकि हमारे प्रधान सेवक ने ये बात बोली, अच्छा नहीं लगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि हमारे 20 जवान इंडियन चाइना जो टेंशन है उसमें लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हम सभी की तरफ से उनकी आत्मा को शांति मिले और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको बता दूं चाइना में लद्दाख में जो घटना हुई है इसकी वजह से वहां के जो प्रधानमंत्री हैं किम जोंग उसका पुतला भी जलाया गया। अरे ओ भाई डर जा, हो क्या गया तुझे आज? मतलब कौन सी ज्ञान की गंगा में गोते लगाया जा रहा है तू? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं ले लिया तूने? देख भाई पहली बात तो चाइना का राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री नहीं, और वहां का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है ना कि किम जोंग। और हाँ तेरी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं कि लद्दाख अपने इंडिया में है, चाइना में नहीं। थोड़ा जीके वीके पढ़ा कर यार, क्या तू भी है ना
फालतू भक्तों के चक्कर में इतनी आ गया क्या लद्दाख इंडिया में? अरे यार ये कमल छाप चूतिया की बातों में आ गया, ये बोल रहा है ऐसा, भाई मैं नहीं बोल रहा, इसने जो बोला वो मैंने बोल दिया। हम लोग चाइना का विरोध कर रहे हैं, चाइना में जो घटना हुआ लद्दाख में उसका विरोध में हम लोग ये रैली निकले हैं, और चाइना का जो प्रधानमंत्री है किंग जोन उसका हम लोग पुतला जलाएंगे, और लोगों से आवेदन करते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट यूज ना करें। और दोस्तों चाइना के इन्हीं हरकतों के कारण हमारे देश में चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है। तो देखा दोस्तों इस प्रकार जोरों शोरों से चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, जो पड़ोस में जो इनके आसपास में जो भी कबाड़ी की दुकान थी ना वहां से कबाड़ उठा के लाए, वरना आप सोचो देखो तो सही इन खिलौनों को, ये खिलौने वही खिलौने हैं जो प्लास्टिक में सस्ते में बेच दिए हैं कबाड़ी में 2-2 रुपए में, और ये जो खिलौना लाया ये टैंक टाइप का, उसी को जो चलता भी नहीं है उसको पटक दिया। ये आंटी जी को देखो, ये भाई साहब नोकिया की जो बॉडी है जो किसी दुकान पर नहीं बिकी और मोबाइल ही बंद हो गए, वो बॉडी उठा के ये भी पटक दिया। उधर ये देखो, पहले मारियो टुचुक टुचुक गेम खेलते रहते थे, वो भी रिमोट इसमें डाल दिया। तो सारी अनप्रेडिक्टिव, मतलब कोई भी ऐसा सामान का इसमें लॉस नहीं हुआ जिसका मतलब बहिष्कार किया जा सके। अरे इतना ही करता है तो आधे से ज़्यादा लोगों के पास इनके पास MI, ओप्पो, वीवो टाइप के मोबाइल होंगे, निकाल के जला दो ना तब मानेंगे। देख चाइना का बहिष्कार। अब ये वीडियो देख के भाई क्या बोलूं, आप सब बताओ कि आपके घर में कितनों के घर में DVD है और उसको यूज किया जा रहा है? कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जो आज DVD यूज करते हैं। सबको पता है नेटफ्लिक्स और प्राइम इनका जमाना है, और वैसे भी पेन ड्राइव से काम हो जाता है। तो दोस्तों ये जो खराब DVD है बाबा जुगादी इनके टाइम की, उसको ये तोड़ रहा है। और दोस्तों हमारे देश में जब ड्रामा चालू ही होता है तो बिना नारे के कोई बात हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रे नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। अब ये फोन के साथ क्या कर रहा है तू? भाई साहब चाइना का माल है, तोड़ रहा हूँ मैं, बहिष्कार कर रहा हूँ। ऐसे करेगा क्या बहिष्कार? क्या मच्छरों की तरह लगाए धीरे धीरे, थोड़ा जोर से, मतलब दम लगा के तोड़ना है इसको जोर से। और दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हो किस प्रकार बहिष्कार हो रहा है, मतलब टीवी को तोड़ा जा रहा है, और जिस प्रकार जिस नाजुकता से जिस फूल कमल जैसे हाथों से इस टीवी को तोड़ा जा रहा है उससे कई गुना भयंकर तेजी से। तो जब पाकिस्तान मैच हारता है ना तो वहां के लोग टीवी फोड़ देते हैं।